अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्शीन और आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं चीज़ कॉर्न वॉफल्स। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप बॉइल्ड कॉर्न, 1 टेबलस्पून दही, 1/2 कप रवा, 1/4 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर, यह है चीज़ हम इसे गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हिंग, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये है 1/2 टीस्पून ग्रीन चिलीज चॉप। अब एक बोल में हम डालेंगे मैदा, रवा, कॉर्न, दही, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स और कोरिएंडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले ड्राई में और बहुत थोड़ा सा ही पानी डालेंगे इसके अंदर, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। देखिए इसकी कॉन्सिस्टेंसी कुछ ऐसी रहनी चाहिए, ये ज़्यादा फ्लोई नहीं बनाना, इसमें बिल्कुल ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर इसमें पानी ज़्यादा हो गया और ये एकदम फ्लोई हो गया तो ये वॉफल मशीन से बाहर आ जाएगा और हमारे वॉफल्स बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे। तो इसे मिक्स कर ले इस तरह से और इसे 15 मिनट्स के लिए आप रख देना, फिर मैं आपको बताऊँ कि कैसे बनाएंगे इसके वॉफल। तो इसे मैंने 15 to 20 मिनट्स रख ली, तो अभी हम इसे वॉफल आयन में डालेंगे। तो वॉफल आयन मैंने पहले से प्री हीट करके रखी हूँ, तो इसे 5 मिनट्स आप प्री हीट करके इसे इस तरह ऑयल की ग्रीसिंग दे दे। इस तरह से हम इसमें फिल करेंगे इसे। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से फिल कर ली हूँ, तो अभी हम अपना वॉफल मशीन बंद करके इसे 10 मिनट्स के लिए हम इसे बेक करेंगे। तो देखिए हमारे वॉफल्स अब रेडी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे चीज़ से गार्निश करेंगे। अगर आप चाहे तो आप इसमें पहले शेजवान चटनी लगा सकते हैं या ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, उसके बाद इस पर चीज़ स्प्रिंकल कर ले। तो हमारा चीज़ कॉर्न वॉफल्स अब रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।